रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो मैं किस तरह से बनाती हूँ थोड़ा डिफरेंटली मैं आपको इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए है कॉलीफ्लावर हाफ कप, 1/4 कप मैंने कैप्सिकम लिया है, 1 आलू लिया, पोटेटो मैंने 1/4 कप, बॉइल हो चुके हैं आप देख सकते हैं। मैंने इधर कढ़ाई रखी है गैस पे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, 2 टेबल स्पून बटर डालूंगी। दोनों का कॉम्बिनेशन पाव भाजी में बहुत अच्छा लगता है। मेरे ओनियंस थोड़े डार्क पिंकिश हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, इसे थोड़ा हल्का सा ही सॉटे करूंगी इसे बहुत अच्छी तरह से, ताकि ओनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट का टेस्ट अच्छा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पक चुका है मेरे, अब मैं टमाटर प्योरी डालूंगी, इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करूंगी। कोरिएंडर पाउडर ऐड करूंगी, इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मसाले पकने दूंगी। हमारे पक चुके हैं मसाले, देखो स्प्रेड हो गए, तेल छोड़ दिया है मसालों ने, आप देख सकते हैं साइड साइड से पूरा तेल छूट गया है। हमारी पाव भाजी की ग्रेवी बहुत अच्छी पक चुकी है, ना मैंने इसमें कलर ऐड किया है ना कुछ ऐड किया है, देखिए ये ऐसे अच्छा लग रहा है। मैं जरा मसाला में इसमें भाजी ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स हो गए। आपको जितनी जरूरत हो आप उतना पानी डालिए इसमें। दूंगी
मसाला मिक्स किया है रेस्टोरेंट स्टाइल के जैसा, देख सकते हैं आप। देखिए हमारा पाव सेक के रेडी है, आप देख सकते हैं। ऐसे डिश प्लेट में निकालेंगे पाव। हमारी भाजी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे। सिर्फ हम सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट।